हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू लाइफ विद सोना। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। और जब हम बीमार हो जाते हैं और ठीक हो जाते हैं तो कितनी अच्छी फीलिंग आती है ना गाइस। बस तो वैसी ही फीलिंग मुझे आ रही है और मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और गाइस एक और बात मैं आपको बताऊं कि अभी काम का प्रेशर इतना ज्यादा लोड है ना कि मतलब काम करते करते शाम तक इतनी बुरी हालत हो जाती है ना कि मन भी नहीं करता कि कैमरा उठाएं, कुछ ब्लॉग शूट कर ले, कुछ वीडियोस बना ले या फिर लाइव आ जाए। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट है कि मैम आजकल आप लाइव नहीं आते हो, क्या नाराज हो गए हो, ऐसा वैसा। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नाराज नहीं हूँ और ना ही कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है, बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। आप लोग समझ सकते हो अभी डेंगू कितना ज्यादा चल रहा है, तो डेंगू की वजह से बहुत ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो उस वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं कोई भी वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, ना ही कोई भी मतलब लाइव वगैरह आ पा रही हूँ। और घर का काम भी बहुत मुश्किल से मैनेज हो रहा है, क्योंकि यार गाइस मॉर्निंग से लेके शाम तक मतलब इतना ज्यादा काम है कि हालत इतनी ज्यादा बुरी। मैं अगर आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार नहीं यार झूठ बोल रहे हो, बस ऐसे व्यूज लेने के लिए ऐसी बातें बनाते। तो गाइस ऐसा नहीं है, सीरियसली बहुत ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं, काम का लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसलिए मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। इसलिए मेरे वीडियोस वगैरह बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं 2-4 दिन से। मुझे खुद को बहुत बुरा लग रहा है कि मैं आप लोगों से कनेक्टेड नहीं हो पा रही हूँ। तो चलिए बातें तो बहुत हो गई, आप थोड़ी सी काम की बात कर ली जाए। तो गाइस डेंगू के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा और अभी बहुत ज्यादा चल रहा है डेंगू। मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर कि डेंगू अगर हो जाता है तो उसकी क्या लक्षण है, उसकी क्या घरेलू उपाय है, बहुत सारी चीजें थी। बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा। तो जिन लोगों ने नहीं देखा प्लीज मेरे चैनल पर जाइए और वीडियोस को जरूर देखिए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और गाइस आजकल आप लोग मेरी वीडियोस नहीं देखते हो, क्या बात है, ऐसा मत करिए प्लीज। आप लोग मेरी वीडियोस वॉच करिए और अपना बहुत सारा प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो गाइस मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि डेंगू टेस्ट कैसे लगाया जाता है। जी हाँ गाइस, डेंगू के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन डेंगू टेस्ट कैसे लगाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा डेंगू नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो चलिए गाइस ज्यादा देर नहीं करते हैं, ज्यादा बातें नहीं बनाते हैं और आपको लेकर चलते हैं लैब में, और वहां पे जाके मैं आप लोगों को बताती हूँ कि डेंगू टेस्ट कैसे लगाया जाता है। मैंने मतलब 2-4 दिन से बहुत ज्यादा डेंगू लगाकर मतलब मैं तो ना मतलब डेंगू के नाम सुन के ही मतलब घबरा लग गई हूँ कि यार इतना ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। और ऑलरेडी मेरे घर में भी 2 पेशेंट है तो उनका भी ट्रीटमेंट घर पे ही कर रहे हैं। मैं डॉक्टर को दिखाया था मैंने, लेकिन मैंने उनको एडमिट वगैरह कुछ नहीं करवाया, घर पे ही सारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है ज्यादा, आप लोग अपने डॉक्टर को दिखाइए, ट्रीटमेंट लीजिए और अपना ध्यान रखिए और अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए। और अगर ज्यादा तो गाइस हम लैब में आ चुके हैं और डेंगू टेस्ट लगाने की तैयारी हो रही है। आप देख सकते हो डेंगू किट है गाइस, जिसमें डेंगू IgM एंड IgG होता है और एक साइड होता है डेंगू NS1, यानी कि दोनों तीनों चीज़ें अलग अलग होती है। जब भी आप डेंगू कराते हैं तो पूरा प्रोफाइल होता है, उसमें IgM, IgG और NS1 आता है। ये तीनों डेंगू के अलग अलग पार्ट होते हैं गाइस। तो इसमें से आपका कौन सा पार्ट नेगेटिव आता है, कौन सा पॉजिटिव आता है, वो भी आपको क्लियर पता चल जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ट्यूब भी ले ली है और हम हमेशा डेंगू के लिए सीरम ट्यूब का यूज़ करते हैं। इसमें से हमने सीरम को प्लाज्मा भी चलता है और सीरम हमने इसमें से सेपरेट कर लिया है। आप देख सकते हो तो हम इसकी हेल्प से सीरम ले लेंगे, सीरम पिपेट से सीरम 10 माइक्रोलीटर हम IgG वाले में डालेंगे। IgG में डालेंगे, टी ड्रॉप बफर डालेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 ड्रॉप बफर की डाली है, आप देख सकते हो, और सीरम की भी डाली माइक्रोलीटर और 75 माइक्रोलीटर हम 75 माइक्रो NS1 में डालेंगे। गाइस आपको समझ में आया, 15 मिनट इसको रखेंगे, 15 मिनट बाद ही रिजल्ट। गाइस 15 मिनट हम इसे रखेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारा टेस्ट क्या है। अगर मान लीजिए 2 लाइन्स आ रही है तो समझ लीजिए पॉजिटिव है, अगर 1 लाइन आ रही है तो समझ लीजिए नेगेटिव है। तो गाइस हम वेट करते हैं, एक IgG में भी आता है, अगर IgG आएगा तो IgG में लाइन आएगी, अगर IgM आएगा तो IgM में आएगी, अगर दोनों में आती है तो IgG, IgM और NS तीनों पॉजिटिव, अगर तीनों में इसमें 3 लाइन आएगी और उसमें 2 लाइन आएगी। तो गाइस आपको समझ में आया, इसमें 3 लाइन आएगी और इसमें 2 लाइन आएगी, तो ये मान लीजिए पॉजिटिव है, और एक एक लाइन अगर आती है तो समझ जाइए नेगेटिव है। तो गाइस हमें 15 मिनट वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि हमारा रिजल्ट, उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारा रिजल्ट क्या आया है। तो 15 मिनट के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है।
आप लोग देख सकते हो यहाँ पर डेंगू नेगेटिव आया है, क्योंकि दोनों में एक एक लाइन ही आई है, NS1 में भी और IgM और IgG में भी। तो ये नेगेटिव रिजल्ट है। आई होप गाइज आपको ये पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ में आई होगी कि डेंगू पॉजिटिव कैसे आता है और नेगेटिव कैसे आता है और इसका पूरा प्रोसेस कैसे होता है। तो गाइज अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी वीडियोज के साथ में। तो गाइज अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर। एंड हाँ गाइज एक बात और बोलना चाहूंगी, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो आजकल मेरी वीडियोस नहीं देख रहे, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज यार गाइज मेरी वीडियोस वॉच करिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए गाइज मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।